पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, सभी अभ्यर्थियों को पीएम ने बधाई दी। पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन बिल को बड़ी उपलब्धि बताया, बोले देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कि बंद कमरों में नैरेटिव चलाती है कांग्रेस। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद बगावत, सीधी से टिकट नहीं मिलने पर राजेश मिश्रा ने दिया इस्तीफा, कहा निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बीजेपी को नहीं है जरूरत। एमपी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी की दूसरी सूची, टिकट को लेकर विधायक ने घर बुलाकर महामंत्री की आरती उतारी। निर्जर हत्याकांड में सीनी उसके सवालों पर बोली कनाडा पुलिस, कहा अभी और सबूतों की तलाश जारी। निर्जर हत्याकांड मामले में कनाडा की जांच एजेंसी IHIT ने जारी की कार की फोटो, हत्यारों के इसी कार से आने की खबर। NIE की जांच में बड़ा खुलासा, ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई करवाता था अर्शदीप डल्ला, विदेश में बनाया था कंट्रोल रूम। टेरर गैंग चला रहा निज्जर का बेहद करीबी अर्श डल्ला, भारत विरोधी गतिविधियों में भी है शामिल, मर्डर टेरर फंडिंग में डल्ला का नाम। भारतीय ओलंपिक संघ ने OCA को चिट्ठी लिखकर चीन के रवैये पर एतराज जताया, वुशू खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने पर आपत्ति। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेताओं का ऐलान, अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी, दीवार में छेद कर शोरूम में स्ट्रांग रूम तक पहुंचे चोर। जयपुर में राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र यादव के घर पर ईडी की रेड, मिड डे मील घोटाले में हो रही कार्रवाई। बड़गाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, बड़गाम में 4 संदिग्ध गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। जम्मू में NIA और SIA की टीमों की कई इलाकों में छापेमारी, आतंकी कनेक्शन को लेकर मोहम्मद इकबाल के घर SIA की रेड। कावेरी जल विवाद को लेकर विरोध जारी, आज बेंगलुरु बंद का किया गया ऐलान, तमिलनाडु को कावेरी का पानी दिए जाने का विरोध। बेंगलुरु में कावेरी जल मुद्दे पर किसान संगठन ने किया प्रदर्शन, फ्रीडम पार्क में लेट कर किया विरोध। 4 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्यमियों को देंगे न्योता। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें आई सामने, प्रथम तल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनकर तैयार। मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने की तारीफ, शिक्षकों को बच्चों के साथ सही बर्ताव करने की नसीहत। बुलेट बाइक चलाकर करनाल एयरपोर्ट पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, बोले कार फ्री डे के समर्थन में एक छोटा सा प्रयास। MP के डिंडोरी में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, पीएम मोदी पर बरसे डिंडोरी के विधायक। दक्षिण कोरिया के दौरे पर चीन और जापान के राजनयिक, तीनों देशों के बीच हुई बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका में क्यूबा दूतावास पर फेंका गया मोलोटोव कॉकटेल, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। दक्षिण कोरिया के विपक्षी नेता की अदालत में पेशी, भ्रष्टाचार के मामले में चल रही है जांच।